इतनी लूट मचा रखी है ना वहाँ पे। मैं सारा एरिया कोचिंग सेंटर से भरा हुआ है। जब मैं वहाँ पे गया ना तो जब वो चार पांच बंदे एकदम से वो कहने लगे भाई, और भाई फिर मैं मेट्रो तक वापस भी चला गया, फिर भी साथ 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 चलते गए। हाँ जी, स्वागत आपका अपनी नई वीडियो में। तो भाई आज आज हम गए थे भाई वेगस मोल। क्यों गए थे? क्योंकि भाई कॉलेज के लिए तो स्विफ्ट का फॉर्म अप्लाई करना होता, वो मैंने नहीं किया। वो रह गया, कुछ सर्टिफिकेट नहीं थे जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। फिर एम डी रोहतक के फार्म भरे, वहाँ का फार्म भर दिया था, तो बाद में एडमिट कार्ड का पता नहीं लगा, वो कब आया पेपर को हुआ कुछ पता नहीं लगा, तो वो भी रह गया। तो इसलिए भाई मैं गया था दिल्ली, वहाँ पे मैं कोचिंग देख के आया था। कोचिंग के बाद में बताऊँगा। फिर हम गए वेगस मॉल में, मेरे साथी महेश भी था, पर वो अपने कोचिंग चलाएगा, वो कुछ बीबीए की बिजनेस की कुछ है जी कोचिंग लेता, तो वो वहाँ चला गया था। और मैं गया था पहले अपने कोचिंग की कुछ किया था, फिर मैं गया था वेगस मॉल। वेगस मॉल का बाद में बताऊँगा, पहले आप सुनो मेरी कोचिंग का। यहाँ से गया मैं, मेरे को एक घंटा तो मेरे को कोचिंग जाने में लगा। वहाँ पे बस मैं खाली पूछने गया था कि क्या फीस है, क्या टाइम है, बैच कब लॉन्च होगा। तो उससे पहले ही मतलब इतनी लूट मचा रखी है ना वहाँ पे। मैं गया था भाई उत्तम नगर ईस्ट या फिर वेस्ट के पास, मतलब पूरा एरिया ही वो जनकपुरी टैगोर गार्डन, वो सारा एरिया कोचिंग सेंटर से भरा हुआ है। वहाँ पे मैं भाई पहले ही अपना सेट करके गया, दिमाग में सारा रिसर्च करके गया था कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट रहेगा, किस पे कोचिंग लेनी चाहिए। वहाँ पे जाती है मैं स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर जब मैं उतरा तो भाई फोर्ट पार करती है वहाँ का वो है कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूशन कुछ भी कह लो। वहाँ पे मतलब ऐसा सिस्टम है, मतलब वहाँ पे आप जाओगे ना कभी भी चले जाओ, आप जितने भी कोचिंग सेंटर वाले होंगे ना वो आपको घेर लेंगे एकदम कि हमारे कोचिंग सेंटर पर चलो, हमारे कोचिंग सेंटर पर चलो। तो एजुकेशन तो सबसे बड़ा बिजनेस आज के टाइम में, एजुकेशन तो भाई बिजनेस बना दिया आज के टाइम इंडिया में, तो बिजनेस के तौर पर देख रही है दुनिया, क्योंकि 18% GST तो आपकी गवर्नमेंट ले जाती है। भाई मेरा एक्सपीरियंस जो कोचिंग सेंटर का था, वो कोचिंग सेंटर तो बढ़िया है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया ना तो जब वो चार पांच बंदे एकदम से वो कहने लगे भाई इस कोचिंग सेंटर पे हमारे पे चलो, हमारे साथ चलो। मेरे को पता भी नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, ये इसी कोचिंग सेंटर के हैं या फिर दूसरे के हैं। एकदम कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, क्या मतलब है ये। और भाई पीछे पड़ लेते बिल्कुल पीछे, मैं भाई रोड पार कर लिया, मैं वहाँ पे कोचिंग सेंटर पे गया, वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे बस मैं ऊपर चढ़ने वाला था, तो चार पाँच बंदे घेर लिया मेरे को, मतलब सेलिब्रिटी गड्डी फील तो हम लेके आ गई। और भाई फिर मैं मेट्रो तक वापस भी चला गया, फिर भी साथ 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 चलते गए। फिर मैंने कहा था भाई मैं तो इस मॉल में घूमने आया था, ये नीचे ये मार्केट है इसमें आया था मैं, तो मैं कोचिंग सेंटर में आया। फिर वे सारे चले गए भाई, फिर भी एक दो बंदे रुके थोड़ी देर, फिर भी चले गए भाई। फिर मैं दोबारा गया, फिर ऊपर गया, फिर बात करी सारी चीज़ सारी डिटेल ली। और भाई फिर मैं जब दोबारा नीचे आया, फिर सारे घेर बना गया, हमारे सेंटर पर चलो, हमारे कोचिंग सेंटर पर चलो, हमारे में ऐसा एक बार डेमो लेके देख लो। तो भाई ये क्या मतलब है, अब आदमी यार परेशान कर देते हो यार तुम।
कोई स्टूडेंट जा रहा है किसी काम से है, उसको घेर के खड़े हो जाते हैं हमारे, चलो हमारे पास, और भाई बिल्कुल पीछे पड़ लगते आदमी के, तो ये क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और हाँ भाई, जो ये सब लोग वो फोर्स कर रहे थे कि हमारे सेंटर पे चलो, हमारे कोचिंग सेंटर पे चलो, तो भाई कोई ऐसे जाया मत करो, जो आप रिसर्च करके जाओ, जो आपके घर वाले बोले उसमें जाया करो। ये बाहर लूटने वाले बहुत बैठे, क्योंकि इनको पता है कि कौन से कोचिंग सेंटर पे ज़्यादा पब्लिक आते, कौन से कोचिंग सेंटर फेमस है, तो आसपास के जितने भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन है ना, ये वहाँ पे बैठे रहते हैं, उस कोचिंग सेंटर के नीचे बैठे रहते हैं, कोई भी वहाँ का फेमस हो ना वहाँ पे बैठे रहेंगे। और वहाँ के जो भी स्टूडेंट उसमें जाना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, उनको खींच खींच के ले जाएंगे, उनको फोर्स करेंगे तुम हमारे सेंटर पर चलो, हमारे सेंटर पर चलो, तो भाई उनको मना कर देना चाहिए, उनको मना करना सीखो। ऐसे नहीं कोई भी कह देगा और आप चले जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई सब आपको लूटने के लिए बैठे इस दुनिया में। अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो भाई, खुद कुछ मेहनत नहीं करोगे तो सब आपको लूट के ले जाएंगे। और दुनिया में यही चीज़ है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। तो भाई रही बात अपने वेगस मॉल की, तो वेगस मॉल में अपना फुल इंजॉय करा, खाए पिए, पर मैं अकेला ही गया था, क्योंकि जो मेरे साथ था वो अपने कोचिंग सेंटर पर चला गया, अपनी क्लास में जाना था, अपनी कोचिंग पे जाना था वो, फिर मैं अपने पहले कोचिंग पे बात कर ली, फिर अपना वेगस मॉल चला गया। वेगस मॉल यार, वेगस मॉल में मेरी पुरानी यादें है, वो आपको नहीं पता, वो इसको पता जो है वीडियो देख रहा है, आपको नहीं पता जो देख रहा है इसको पता है। मैं भाई बहुत मॉलों में घूम लिया, पर सारे मॉल की जितने बड़े बड़े एम गेम्स मॉल हो गया, वेगस मॉल हो गया, ये DLF गुड़गांव के एम गेम्स मॉल गया था मैं। और भाई व्लॉगिंग बनाने की मैं बहुत ट्राई करता हूँ, बहुत मौके ढूंढता हूँ कब मेरे को कुछ व्लॉगिंग का कंटेंट मिल जाए, कब मैं, पर भाई अकेले में वीडियो बनती नहीं, अब अकेला आदमी क्या क्या करेगा, अब घर पे कोई नहीं था इसलिए ये बना दी वीडियो, घर वालों को बता भी नहीं सकता कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। नहीं, घर वाले कहेंगे अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिए, नौकर नौकर, चल वो तो हम कर ही रहे पढ़ाई लिखाई, क्या हो गया 12th पास होगी, अपना कोचिंग जाएंगे, कुछ हो गया तो हो गया ना, फिर कॉलेज चले जाएंगे, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। और भाई वेगस मॉल की मैंने बस थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, क्योंकि मैं गया था भाई इंजॉय करने, पहले भी मैं एम्बियंस मॉल, वेगस मॉल कई जगह गया हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाई, और बनाई भी होगी तो मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, क्योंकि पहले टाइम नहीं मिलता था, अब 12th पास हुई है, मैं गया हूँ अब वेगस मॉल, मैंने वीडियो बनाई नहीं तब, क्योंकि तब मैं इंजॉय कर रहा था एक्सप्लोर। और भाई जब मेरे पास ऐसी क्वालिटी भी नहीं थी कि मैं बढ़िया ठीक ठाक क्वालिटी दे पाऊँ, कंटेंट दे पाऊँ, कंटेंट का तो अभी नहीं पता ठीक ठाक है या नहीं है। और भाई क्वालिटी एक नंबर वीडियो बन रही है, क्वालिटी का साधन हो गया अब हमारे पास, भाई रेगुलर व्लॉग डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ जो होना चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, तो कोशिश करेंगे कि हो जाए रेगुलर व्लॉगिंग, नहीं तो देखी जाएगी। और इस वीडियो की क्वालिटी, ये जो क्लिप बन रही है इसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगी जो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड की, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने इस दूसरे वाले फ़ोन से रिकॉर्डिंग करी थी, और यहाँ से अपने सैमसंग के फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, और साथ में रिंग लाइट भी है। अब भाई इस वाले फ़ोन से जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये मैं ट्रांसफ़र करूँगा इसमें, फिर इसमें एडिट करके फिर आपको दिखेगी वीडियो क्वालिटी। तो एक बार क्वालिटी और बता देना कैसी लग रही है, कैसा क्या बैकग्राउंड आ रहा है, वैसे तो पोर्ट्रेट वीडियो बन रहा है बैकग्राउंड ब्लर आ रहा होगा, बाकी आप क्वालिटी बता देना, क्योंकि यूट्यूब अपलोड होने के बाद क्वालिटी रिड्यूस कर देता है, तो मेरे को पता नहीं चलता कैसी वीडियो आपको दिख रही है। चलो भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉगिंग देखते हैं अब रेगुलर करने की कोशिश करेंगे।